तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपना अमेजन एफिलिएट अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ़ोन पर। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अमेजन अकाउंट पे अपना पेमेंट का जो आप लेने वाले हैं, पेमेंट विड्रॉ करने वाले हैं, उसका बैंक अकाउंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये दोनों आप फिलअप नहीं करते तो अकाउंट बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। आपको पैसा कहाँ कहाँ कौन से बैंक अकाउंट में आएगा, क्या फ़ायदा दोस्तों, अमेजन के एफिलिएट अकाउंट में ही रह जाएगा आपका, उससे वहाँ से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते अपने बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे फिलअप करना होगा पैसा लेने के लिए, और टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना होगा। तो दोनों चीज़ मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा कि कैसे अमेजन एफिलिएट अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट को डाल सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, और अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोमो ब्राउजर को ओपन कर लेना है। वहाँ पर ऊपर टाइप करना है amazon.in। amazon.in टाइप करने के बाद दोस्तों 3 लाइन पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइड में आपको अपने फ़ोन को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों अगर आपका अमेजन का एफिलिएट अकाउंट बन चुका है तो ऊपर देखिए कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल अकाउंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जब अपना अकाउंट आप बना चुके हैं तभी आप देखिए आपको देखने को मिलेगा। ऊपर लिखा हुआ है गेट लिंक टेस्ट, यहाँ पे ब्लू कलर में फ्लिप और फेसबुक ट्विटर, यहाँ पे सबसे किनारे में अर्निंग का ऑप्शन दिख रहा है, हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, अर्निंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो अर्निंग का ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अर्निंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे फिर से अमेजन का अपना पासवर्ड एक बार डालना होगा। आपका जो भी अमेजन अकाउंट का पासवर्ड है उसको अफिलिएट अकाउंट का पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करना है दोस्तों। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। साइन इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया इंपॉर्टेंट नोटिस रेड कलर में, इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने दो चीज़ अभी तक फिलअप नहीं किया है अकाउंट अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके। क्या तो है दोस्तों, वो देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पेमेंट इन्फॉर्मेशन टैक्स इन्फॉर्मेशन मैंने फिलअप नहीं किया कि मैं इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिखा रहा है। तो सिंपली से हमको पेमेंट इन्फॉर्मेशन और टैक्स इन्फॉर्मेशन दोनों चीज़ भर के आपको बीच वीडियो में दिखाऊंगा। तो सिंपली से जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है ब्लू वाला पे। फिर से आपको यहाँ पे अपना अमेजन का पासवर्ड डालना है और यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक OTP आएगा, चाहे तो OTP कॉल द्वारा मंगा सकते हैं, नहीं तो मैसेज द्वारा। तो मैं मैसेज पर क्लिक करके इस सेंड OTP पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरे पास OTP आ चुका है, OTP हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं और साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए नीचे आ गया दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे लिख रहा है पे बाय, यहाँ पे देखिए नीचे लिख रहा है पे मी बाय निफ्ट 1000। मतलब दोस्तों अगर आपका 1000 आपका अर्निंग हो जाएगा तभी आपका अमेजन एफिलिएट अकाउंट आपका बैंक अकाउंट में पैसा देता है दोस्तों। तो सिंपली से इस सर्किल पर हमें क्लिक कर देंगे, जो 1000 बोल रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। उसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे आ गया आपको बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल भरना। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट होल्डर नाम, आपका एक पासबुक किसका नाम है, इसके बगल में बैंक करेंसी है, आप इंडियन रुपी छोड़ दें क्योंकि पैसा है तो कोई दिक्कत ना हो। बैंक अकाउंट नंबर आपको फिर से कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है। फिर से आपको बैंक का नेम, कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, SBI है। फिर ऐसे आईएफसी कोड, हर एक बैंक का जो पासबुक होता है वहाँ पे लिखा रहता है, हर एक बैंक का अलग अलग रहता है। और नीचे देखिए फॉर US टैक्स पर लिखा है दोस्तों। तो अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आप इंडिया में रहते हैं यहाँ पे तो पहले से नो है, नो छोड़ देंगे। तो हम इंडिया में रहते हैं दोस्तों तो नो ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने सारा कुछ फिलअप कर दिया, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, अपना बैंक के पासबुक का जो नाम है, बैंक होल्डर नेम आप वो रख देंगे, यहाँ पे सबमिट पर नीचे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आ गया रिक्वेस्ट पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों, मैंने सारा कुछ फिलअप कर दिया दोस्तों। तो ऊपर देखिए अब एक ही ऑप्शन आ रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि पेमेंट इन्फॉर्मेशन में मैंने भर दिया। तो सिंपली सब टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया। यहाँ पर सबसे किनारे में देखिए लिख रहा है चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट लिखा है। तो उसके बगल में लिखा है इंडिया करेंट टैक्स नोटिस, तो सिंपली से आपको इंडिया करेंट टैक्स नोटिस पर क्लिक करना है, क्योंकि अब हमको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना है दोस्तों। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने का एक फॉर्म आ जाएगा। सबसे ऊपर लिखे रहे दोस्तों विच इज योर टेक्स्ट क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा इंडिविजुअल बिजनेस। तो सिंपली से आपको इंडिविजुअल पे रहने देना है दोस्तों, बिजनेस पर नहीं करना है। ये बिजनेस पर आप कीजिएगा तो वो दूसरे लोगों के लिए जो GST करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे है ऑप्शनल, आप ऑप्शनल है ये भर भी सकते हैं। उसके बाद नीचे ये देखिए इंडिया सेलेक्ट है, सेलेक्ट योर कंट्री, ये पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद व्हाट इज योर कंट्री ऑनरशिप, तो ये देखिए
ये पहले से इंडिया है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रोवाइड योर पैन, तो आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है दोस्तों। उसके बाद नीचे लिखा है प्लीज़ प्रोवाइड योर ऐप, तो इसको आपको ऑप्शनल है, ये छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे आपका पैन कार्ड पे जो नाम है वहीं आपको फिलअप कर देना है दोस्तों। यहाँ पे नीचे लिखा है सिग्नेचर देते हैं यहाँ पे, और नीचे सबमिट पर आपको क्लिक कर देनी है सारा कुछ भर के। जो ऑप्शनल है वो आपको छोड़ देना है, वो नहीं फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया ऊपर व्यू मोड टैप हेल्प, तो व्यू मोड पर क्लिक करके अपना फॉर्म देख सकते हैं जो अभी आप बने भरा है। यहाँ पे देखिए स्टेटस में इनकम्प्लीट दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है कि अभी तक आपका 1 रुपया भी अर्निंग मैंने नहीं किया है, अभी अभी न्यू बना है इसलिए दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए एग्जिट का ऑप्शन दिखा रहा है, एग्जिट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मेरा मैं यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, मैं जो मेरा इम्पोर्टेंट नोटिस दिखा रहा है वो अब 0 हो चुका है। वो मतलब इम्पोर्टेंट नोटिस मेरे को अब नहीं दिखाएगा, पहले जो रेड कलर में दिखा रहा है, देखिए दोस्तों पहले जो यहाँ पे रेड कलर में दो इम्पोर्टेंट नोटिस दिखा रहा है अब वो नहीं दिखा रहा, वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने दोनों फिलअप कर दिया है, अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भी और पेमेंट मेथड वाला जो ऑप्शन है वो भी क्लियर कर दिया, बैंक अकाउंट अपना सारा कुछ दिया। तो यहाँ पे देखिए 0 दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले इनकम्प्लीट दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि अभी मैं पूरा हो चुका है चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन और बैंक अकाउंट डिटेल अपना अपडेट अकाउंट में फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर से मिलते हैं एक बार न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।